आज तक आपकी आवाज। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बस्ती के शास्त्री चौक पर 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का लोकार्पण किया। इसी के साथ आसमान में लहराता 100 फीट का तिरंगा अब जिले की आन बान शान है। इसके साथ ही कोरोना योद्धाओं को समर्पित 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव में भी उन्होंने शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बस्ती पहुंचे, 100 फीट ऊंचे राष्ट्र ध्वज का उन्होंने लोकार्पण किया। 100 फीट का राष्ट्र ध्वज अब बस्ती शहर की नई पहचान बन गया है। शहर के शास्त्री चौक पर लोकसभा अध्यक्ष ने रिमोट का बटन दबाकर राष्ट्रध्वज का लोकार्पण किया। इसके बाद राष्ट्रगान के बाद झंडे को सैल्यूट किया। स्काउट गाइड के 200 बच्चों ने भी लोकसभा के अध्यक्ष के साथ झंडे को सैल्यूट किया। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 3 दिवसीय बस्ती महोत्सव में शिरकत की। इस बार बस्ती महोत्सव कोरोना योद्धाओं को समर्पित है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महोत्सव के माध्यम से हम अपनी संस्कृति, यहाँ के कलाकारों और यहाँ पर जिन लोगों ने शहीद होकर कुर्बानी दी उन सब को याद करते हैं तो गौरव महसूस होता है। संस्कृत कला, यहाँ की काष्ठ हस्त कला देश के तमाम कोने में पहुँचे, इसके लिए सोच समझ कर इस महोत्सव को करने का विचार किया। जनपद में आने के बाद ऐसा लगता था कि प्रकृति सुंदरता के साथ साथ यहाँ से निकट संत कबीर दास जी का निर्वाण स्थल हो, चाहे घाघरा और सरयू नदी के तट पर गुरु वशिष्ठ जी का आश्रय हो, ये धरती ऐसी धरती है जहाँ भगवान राम पैदा हुए, जिसके लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद और अपने जनपद का एक उत्पादन वस्तु, ये देश आत्मनिर्भर तब हो पाएगा जब हमारी माटी से पैदा हुआ नौजवान देश के अंदर अपने उत्पादन वाली वस्तुओं को बेचने का काम करे। ये दिशा आज देश के अंदर बनी है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़े। किसी समय हम कच्चे माल के लिए विदेशों पर निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज भारत के नौजवानों ने, नए वैज्ञानिकों ने रॉ मटेरियल बनाने का काम किया। अब भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है, साथ ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ देश विदेश में अपने उत्पादन वस्तुओं को बेचने के लिए आत्मनिर्भर बन रहा है। इस दौरान सांसद हरीश द्विवेदी, जिलाध्यक्ष महेश शुक्ला, सांसद जगदम्बिका पाल, विधायक दयाराम चौधरी सहित तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। अयोध्या से ब्यूरो चीफ आदर्श श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जनपद और एक अपने जनपद का उत्पादक वस्तु, ये देश आत्मनिर्भर जब हो पाएगा जब हमारी माटी से पैदा हुआ नौजवान देश के अंदर अपनी उत्पादन वाली वस्तुओं को बेचने का काम करे। और ये दिशा देश के अंदर बनी है कि हम आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़े। किसी समय था जब हम कच्चे माल के लिए, फ्रिश माल के लिए विदेशों से निर्भर हुआ करते थे, लेकिन आज इस भारत के नौजवानों ने, नए वैज्ञानिकों ने रॉ मेटेरियल बनाने का काम किया, फिनिश मेटेरियल बनाने का काम किया। अब भारत अपनी आवश्यकताओं की तो पूर्ति करता ही है, लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद आवश्यकता होता है तो देश विदेश के अंदर भी अपनी उत्पादक वस्तुओं को बेचने के लिए आत्मनिर्भर होता है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।